स्वागत है आप सबका अनोखे अंदाज से बयां की जा रही कहानियों के सफर में। आज सुनते हैं कहानी एक विधवा की। एक बार टर्की के एक पुराने शहर इफ्सुस में एक विवाहित महिला थी, जिसकी अपने पति के प्रति वैवाहिक निष्ठा और वफादारी पूरे इलाके में मशहूर थी। वो अपनी निष्ठा के लिए इतनी प्रसिद्ध थी कि आसपास के शहरों की महिलाएं इस कौतुक को देखने के लिए इफ्सुस की यात्रा करती थी, टर्की आती थी। और फिर एक दिन अचानक एक अनहोनी हो गई, उस महिला के पति की मृत्यु हो गई। उस दौर में विधवा को अपने बालों को बिना बांधे और सार्वजनिक रूप से अपनी छाती को पीटने का रिवाज था, मगर इसके बाद भी उस महिला का दुख कम नहीं हुआ। उसने कब्र में लाश के साथ रहने पर जोर दिया। उस दौर में कब्र एक भूमिगत तहखाना या वॉल्ट के रूप में बनाए जाते थे। उस तहखाने में खुद को व्यवस्थित कर वो दिन रात रोती रही। इस अत्यधिक दुखद व्यवहार से उसके माता पिता उसे मनाने में पूरी तरह असमर्थ थे। कब्र के तहखाने में उसके साथ उसकी वफादार नौकरानी थी, जिसने अपनी मालकिन के दुख को साझा किया। इफ्सुस के सभी लोग इस असामान्य महिला के लिए शोक में डूब गए, खासकर जब वो अपने उपवास के पांचवें दिन में थी। पूरा शहर दुखी था। सभी सहमत थे कि वैवाहिक निष्ठा और अमर प्रेम का ये एकमात्र सच्चा उदाहरण था। इस बीच प्रांत के गवर्नर के आदेश पर कई चोरों को कब्र के तहखाने के पास सूली पर चढ़ाया गया था और यहीं पर महिला अपने पति की मौत का शोक मना रही थी। रात को एक सैनिक सूली पर लटके चोरों के शवों पर पहरा दे रहा था, ताकि कोई उन्हें हटाकर अलग न कर सके या दफना न सके। अचानक उस सैनिक को कब्रिस्तान की ओर से रोने और कराहने की आवाज सुनाई पड़ी। माजरा क्या है ये जानने के लिए वो सैनिक कब्रिस्तान की ओर चल पड़ा। वहां उसने एक अत्यंत रूपवती स्त्री को रोते हुए देखा। फिर उसने वहां लाश को देखा। महिला के चेहरे के आंसू और उसके द्वारा नाखूनों से खरोंचे हुए गाल देखकर वो समझ गया कि वो एक विधवा थी जो पति की मौत का शोक मना रही थी। वो जल्दी से अपना खाने का डिब्बा लेकर कब्र पर आया और उस महिला से विनती की कि वो अपना दुख और शोक बाहर निकाल दे। सभी को एक ना एक दिन मरना है, सभी को जाना है, यही संसार का नियम है। संक्षेप में उसने महिला को दोबारा जीने के लिए प्रेरित किया, मगर सैनिक के सांत्वना भरे शब्दों ने विधवा को और भी अधिक परेशान किया और वो अपने को पहले से भी अधिक अपनी छाती पीटने लगी और उसने अपने बालों को भी जड़ से उखाड़ कर मरे हुए पति के शरीर पर बिखेर दिया। मगर सिपाही निराश नहीं हुआ और उसने कुछ खाने के लिए पुनः आग्रह किया। स्वादिष्ट भोजन और वाइन की गंध ने विधवा की दासी को खाने पर मजबूर कर दिया। पेट में भोजन आने के बाद अब दासी ने भी सिपाही का समर्थन करना शुरू कर दिया। मालकिन, अगर आप खाएंगी नहीं तो जीवित कैसे रहेंगी? भाग्य के बुलाने से पहले आप अपने आप को जिंदा क्यों दफन करना चाहती हैं? अपने जीवन को नए सिरे से शुरू कीजिए। जो होना था वो हो गया, आपके सामने तो पूरा जीवन पड़ा है जीने के लिए। जब तक आप सक्षम हैं, तब तक जीवन के प्रकाश का आनंद लीजिए। अपने गरीब पति की लाश को देखिए, क्या ये आपको किसी भी शब्द से अधिक प्रेरित नहीं कर रही कि आपको जीना चाहिए? अपने लंबे दिनों के उपवास से कमजोर होकर महिला का प्रतिरोध आखिर टूट गया और उसने सिपाही का लाया हुआ खाना खाया। कहते हैं कि भरे पेट पर प्रलोभनों का जल्दी असर होता है और सिपाही ने की खुशामद ने और उसकी मिन्नत ने उस महिला का दिल जीत लिया और उसने फिर से जीने के लिए उसे मजबूर कर दिया। भले ही वो महिला पतिव्रता थी, मगर उस आकर्षक सिपाही के तर्कों से वो सम्मोहित हो गई थी। महिला की दासी ने भी सैनिक के इस काम में उसकी मदद करने में हर संभव कोशिश की और रोमन कवि वर्जिल की ये पंक्ति भी दोहराई कि यदि प्रेम मन भावन है तो तुम स्वयं को प्रेम के हवाले कर दो, रोको मत। और फिर वही हुआ, महिला ने स्वयं को सैनिक के हवाले कर दिया और सैनिक एक कुशल योद्धा की तरह अपनी विजय का पूर्ण आनंद लेते हुए उसी रात महिला से शादी कर दी। अगली दो रातें भी वे साथ साथ सोए, कब्र के दरवाजे को ध्यान से बंद कर दिया ताकि आने वाले लोग यही सोच सकें कि उस पतिव्रता महिला ने अंततः अपने मृत पति के शरीर के साथ ही अपनी लीला समाप्त कर ली। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, हमारा सैनिक वास्तव में एक भाग्यवान पुरुष था। उस महिला की असाधारण सुंदरता और विशेष आकर्षण से वो अपने इस गुप्त प्रेम में प्रसन्न था। हर रात जब सूरज डूबता था, वो अपने छोटे से वेतन से खाने पीने का सामान खरीदकर कब्र के अंदर ले आता और सिलसिला चलता रहा। एक रात सूली पर चढ़ाए गए चोरों में से एक के माता पिता ने देखा कि वहां सैनिक नहीं है। उन्होंने उसकी अनुपस्थिति का फायदा उठाया और अपने बेटे के शरीर को सूली से उतार कर उसे दफना दिया। अगली सुबह सूली से गायब चोरों के शवों में से एक को गायब देखकर सैनिक भयभीत हो गया और अपनी प्रेमिका को मौत के उस भयानक सजा के बारे में बताने के लिए दौड़ा जो उसके कर्तव्य की इस उपेक्षा के लिए उसका इंतजार कर रही थी।
वो सजा। इस परिस्थिति में उसने अपने मुकदमे और सजा का इंतजार न करने का फैसला किया। वो खुद को सजा देगा और वहीं अपनी तलवार से अपने जीवन समाप्त कर लेगा। सैनिक ने केवल इतनी इच्छा प्रकट की कि मरने के बाद उसकी लाश को भी उसी मकबरे में उसके पति के साथ दफना दे। मगर महिला का हृदय कोमल नहीं था। महिला का हृदय कम कोमल नहीं था, भगवान ना करे, अगेन रिपीट, मगर महिला का हृदय कम कोमल नहीं था, भगवान ना करे कि मुझे एक ही समय में दो पुरुषों के शवों को देखना पड़े जिन्हें मैंने कभी प्यार किया था। नहीं, जिंदा लोगों के मरने से कहीं बेहतर है मरे हुओं को फांसी देना। और इन शब्दों के साथ उसने आदेश दिया कि उसके पति के शरीर को कब्र से निकालकर खाली सूली पर लटका दिया जाए। और फिर सिपाही ने सलाह का पालन किया। कहानी खत्म। जी, थोड़ी लंबी थी। हाँ, आज मैं कहानी से क्या सीखा इस पर चर्चा नहीं करता, बल्कि कहानी पर चर्चा करना चाहता हूं। कहानी इफिसुस की विधवा हमें आश्चर्यजनक उतार चढ़ाव से अवगत कराती है। कहानी एक के लेखक पेट्रोनियस ने सिपाही की दुविधा को महिला के अद्भुत समाधान के साथ हमें और आपको आश्चर्यचकित कर दिया। वैसे कहानी में नैतिकता की तलाश करने की इच्छा को भी हम समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी कहानियां हमें नैतिकता की तलाश बहुत सावधानी से करनी चाहिए इन कहानियों में, क्योंकि इफिसुस की विधवा कहानी का अर्थ उतना सरल या उतना स्पष्ट नहीं है जितना कि ईसप की एक कल्पित कहानी या सबक जो हम द प्रोडिगल सन या द गुड सैमरिटन से प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी अमर साहित्य कृति की व्याख्या अनिवार्य रूप से अंतिम नहीं होती, क्योंकि हम इसे जितना अधिक पढ़ते हैं, जितना अधिक जानते हैं, अधिक विचार करने के बाद भी सच्चा इंटरप्रिटेशन कर नहीं पाते। अगली बार फिर एक नई कहानी ऐसे ही अनोखे अंदाज में।